न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने के बाद पूरे देश में आग भड़क उठी है। कई राज्यों में आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हो रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोचिंग और कॉलेज संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें छात्रों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने की अपील की है। साथ ही दोनों अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर भी वितरित किए हैं, जहां किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर दोनों जिलाधिकारियों ने उनसे संपर्क करने की बात कही है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है, जिसमें युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 वर्ष की नौकरी के बाद उन्हें बेरोजगारों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जिसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा है। आज हम लोगों ने कोचिंग संचालक और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, जो बच्चों की मदद करते हैं, उन सभी की मीटिंग बुलाई थी, उनसे बात भी किया है और इसके बारे में उनको ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि बच्चों को कोई गलत दिशा में भ्रमित कर सके। उनके द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाएगी और हम लोग को कोशिश ये है कि वातावरण जो है वो अच्छा बना रहे। ज़िले में जो भी इसके संबंध में समझाइश और किसी भी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमने और एसपी साहब ने अपने मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं, ताकि बच्चों से किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को देख के और आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठाए। पूरी तरह से हम और एसपी साहब इस में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा। कर ली और एक दो पतंग गद्दा कर लिए, बस वो निकल जाता है, उसके बाद तो आदमी घर पूरी एनर्जी से लग जाता है और अगर अपन उस समय उसको डाइवर्ट होने का अवसर मिल गया तो फिर वो चेन बढ़ती चल जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर सब लोग अच्छा प्रयास कर रहे थे, तो हमने डायरेक्ट सिचुएशन में देश में आग लगी हुई है तो उसको शांत किया जाए। पहले डायरेक्ट सिचुएशन पहले डायरेक्ट